सपनों से ही आशाओं का जन्म होता है, आशाओं से ही लक्ष्य का निर्धारण होता है, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ही परिश्रम करना पड़ता है, परिश्रम से ही सफलता प्राप्त होती है। हाय गाइस, मेरा नाम है आर्यन और आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ, जिस कहानी में आपको ये पता चलेगा कि हम लोग अपने जीवन में सफल कैसे हो सकते हैं। इस सफलता की कहानी को मैं आपको बताने वाला हूँ। एक लड़के ने सुकरात से पूछा कि सफलता का रहस्य क्या है। सुकरात ने उसे कहा कि कल तुम मुझे नदी के किनारे मिलना। अगले दिन वो दोनों नदी के किनारे मिले। मिलने के बाद सुकरात ने उससे कहा चलो नदी में चलते हैं। दोनों ही साथ में नदी में चलने लगे। जब वो दोनों नदी में गले तक नदी में डूब गए तो सुकरात ने उस लड़के का सिर पकड़ा और उसे पानी में डुबो दिया। पानी के अंदर जाते ही लड़का पानी से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करने लगा, लेकिन सुकरात भी काफी ताकतवर थे। उन्होंने उसे तब तक नदी के अंदर रखा जब तक वो नीला नहीं पड़ने लगा। जैसे ही उसका सर नीला पड़ने लगा, उसका मुंह नीला पड़ने लगा, तभी सुकरात ने उसे बाहर निकाला। और लड़के ने बाहर निकलते ही सबसे पहले हांफते हांफते तेज सांस ली। उसके बाद सुकरात ने उससे प्रश्न किया कि जब तुम अंदर थे तो सबसे पहले क्या करना चाहते थे। उस लड़के ने जवाब दिया मैं सांस लेना चाहता था। तभी सुकरात ने उत्तर दिया सफलता का भी यही रहस्य है, जब तुम किसी चीज को इस हद तक चाहोगे जिस तरह तुम सांस लेना चाहते थे तब वो तुम्हें जरूर मिल जाएगी। इसके अलावा सफलता का कोई और रहस्य नहीं है। गाइस, ये छोटी सी कहानी हम लोगों को ये बताती है कि सफलता पाने के लिए सिर्फ एक ही काम करना पड़ता है जो कि है मेहनत। हम लोगों को लगता है कि एक स्टूडेंट, एक प्रोफेशनल और एक बिजनेसमैन बहुत सफल हो जाते हैं। एक स्टूडेंट, एक प्रोफेशनल और एक बिजनेसमैन की केवल सफलता दिखती है, लेकिन हम कभी भी ये नहीं सोचते कि उस स्टूडेंट ने फर्स्ट आने के लिए रात में कितना परिश्रम किया होगा, एक प्रोफेशनल या एक बिजनेसमैन ने कितने धक्के खाए होंगे दिन में और कितनी रातें वो जगा होगा तब जाकर वो सक्सेस हुआ होगा। उन्हें भी ये सफलता इतनी आराम से नहीं मिली होगी, उन्होंने भी पूरा परिश्रम किया होगा, कुछ ना कुछ ऐसा काम जरूर किया होगा जिसकी वजह से आज वो सक्सेस है। किसी ने क्या खूब कहा है, लाइफ में करके दिखाना कुछ ऐसा काम ताकि दुनिया ले हर महफिल में सिर्फ आपका ही नाम। गाइस, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। और कहानी का कौन सा पार्ट आपको ज्यादा अच्छा लगा उसे कमेंट करके बताना, और ये भी कमेंट करके बताना कि आप लोगों को किस तरह की कहानियां और अच्छी लगती हैं।